हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यदि आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आप इग्नू से कोई बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इग्नू में असाइनमेंट और थ्योरी एग्जाम में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको असाइनमेंट और थ्योरी एग्जाम में मिनिमम कितने पासिंग मार्क्स चाहिए और कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इग्नू से कोई भी मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपका ये जानना बहुत ही जरूरी है कि आपके इग्नू में असाइनमेंट और थ्योरी के एग्जाम होते हैं और आपका इन दोनों में पास होना जरूरी है। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि क्या हम असाइनमेंट में पास हो जाएंगे तो असाइनमेंट के मार्क्स से हम थ्योरी में भी पास हो जाएंगे। कुछ का कहना है कि अगर हम थ्योरी में पास हो जाते हैं तो क्या हमें असाइनमेंट जमा करवाने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपका थ्योरी और असाइनमेंट में दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। आपके असाइनमेंट में पास होना भी जरूरी है और आपका थ्योरी में भी पास होना जरूरी है। ये आपका मैटर नहीं करता है कि आप एक में पास हैं तो दूसरे में अपने आप पास हो जाएंगे। आपका दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। आपके असाइनमेंट में भी मार्क्स आने चाहिए और आपके थ्योरी में भी मार्क्स अच्छे आने चाहिए। आपका दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। अब बात करते हैं असाइनमेंट और थ्योरी एग्जाम में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे कि आप पास हो सकें। आपके मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे कि आप असाइनमेंट और थ्योरी दोनों में पास हो सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असाइनमेंट की। तो दोस्तों, यदि आप कोई भी इग्नू से बैचलर प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको 100 में से 35 आउट ऑफ 100 आना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके असाइनमेंट में 35 आउट ऑफ 100 आए हैं तो आप अपने असाइनमेंट में पास हैं। ये आपके मिनिमम मार्क्स हैं। यदि आपके 35 या उससे ऊपर मार्क्स आए हैं तो आप असाइनमेंट में पास हैं। आपको दोबारा असाइनमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बार असाइनमेंट में 35 या इससे ऊपर मार्क्स मिल जाते हैं तो आपको दोबारा से असाइनमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप उस असाइनमेंट में पास हो जाएंगे। और यदि आप मास्टर प्रोग्राम कर रहे हैं तो मास्टर प्रोग्राम में आपके 40 आउट ऑफ 100 यदि आते हैं तो आप 40 या इससे ऊपर जितने भी मार्क्स आते हैं तो आप अपने असाइनमेंट में पास हो जाएंगे। आपको आगे असाइनमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। आपके उस ईयर के असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। यदि आप असाइनमेंट में फेल होते हैं, आपके 40 से कम मार्क्स आते हैं, यदि आपके 39 आते हैं या उससे कम मार्क्स आते हैं तो आप असाइनमेंट में फेल हो जाएंगे। आपको दोबारा से नेक्स्ट ईयर असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। इसलिए आपके जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं बैचलर डिग्री के लिए वो है 35 और मास्टर डिग्री के लिए वो है 40। ये आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं जो आपके आना कंपलसरी। अगर यदि आपके इतने मार्क्स नहीं आते हैं तो आप असाइनमेंट में फेल हो जाएंगे। आपको दोबारा से असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम थ्योरी एग्जाम की कि आपके थ्योरी एग्जाम में कितने मिनिमम पासिंग मार्क्स आने चाहिए। आइए बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि आपका एग्जाम 25 मार्क्स का है, 2 क्रेडिट का। इग्नू के एग्जाम क्रेडिट वाइज होते हैं। यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट 2 क्रेडिट का है तो आपका एग्जाम 25 मार्क्स का होता है। यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट 4 क्रेडिट्स का है तो उसका एग्जाम आपका 50 मार्क्स का होगा। यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट 6 क्रेडिट का है तो उसका एग्जाम आपका 75 मार्क्स का होगा। और यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट 8 क्रेडिट्स का है तो उसका एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा। और इसमें आपके जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो है 35%। यदि आप 25 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं तो इसमें आपके 9 आना कंपलसरी है। यदि आप 50 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं तो इसमें आपके 18 मार्क्स आना जरूरी है। यदि आप 75 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं तो इसमें आपके 27 मार्क्स आना जरूरी है। और यदि आप 100 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं तो इसमें आपके 35 आना कंपलसरी है। तो दोस्तों, ऐसे आप बैचलर डिग्री के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। आपके 9 आउट ऑफ 25, 18 आउट ऑफ 50, 27 आउट ऑफ 75 और 35 आउट ऑफ 100 मार्क्स आना कंपलसरी है आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए।
इसके बाद बात करते हैं हम मास्टर डिग्री के लिए। आप यदि कोई भी मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा या फिर कोई भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसके लिए आपके कितने मिनिमम पासिंग मार्क्स आने चाहिए थ्योरी एग्जाम में, तो आपके इसमें आपके 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए। यदि आप कोई भी 25 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं तो इसके आप इसमें आपके 10 मार्क्स आने चाहिए। यदि आप कोई भी 50 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं तो इसमें आपके 20 मार्क्स आने चाहिए। यदि आप कोई भी 75 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं तो इसमें आपके मिनिमम 30 मार्क्स आने चाहिए। और यदि आप कोई भी 100 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं तो इसमें आपके मिनिमम 40 मार्क्स आने चाहिए। तो दोस्तों, ये आपके थ्योरी एग्जाम में जितने भी मास्टर डिग्री के और पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, इसमें आपके मिनिमम 40% मार्क्स आने चाहिए। जितना भी आपका, जितने भी मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें से आपके 40% मार्क्स आना कंपलसरी है, जब ही आप पास माने जाएंगे, अदरवाइज आपको फेल माना जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आपके असाइनमेंट और थ्योरी एग्जाम के मार्क्स के कितने परसेंट मार्क्स से आप मिनिमम परसेंटेज या आप मिनिमम मार्क्स ला सकते हैं। इसके बाद हम बात करें ग्रेड की, कि आप कितने ग्रेड ला सकते हैं। यदि आप 80 या इससे अबो, आप 80 या इससे ऊपर नंबर लाते हैं या इससे ऊपर मार्क्स लाते हैं तो आपकी जो ग्रेड है वो ए आएगी। इसके बाद यदि आप 60 या इससे ऊपर 79 तक मार्क्स लेकर आते हैं, आप 60 से लेकर 79 मार्क्स तक लाते हैं तो आपकी ग्रेड बी आएगी। इसके बाद यदि आप 50 या 59 तक मार्क्स लेकर आते हैं, 50 से 59 तक मार्क्स लेकर आते हैं तो आपकी ग्रेड सी आएगी। और यदि आप 40 से लेकर 49 मार्क्स तक लेकर आते हैं तो आपकी ग्रेड डी आएगी। और यदि आप 35 से लेकर 39 मार्क्स तक लेकर आते हैं तो आपकी ग्रेड ई आएगी। और यदि आप 35 से नीचे मार्क्स लेकर आते हैं जहां पर आप फेल माने जाएंगे तो इसमें आपकी एफ ग्रेड मानी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी वीडियो जिसमें आपको बताया गया है आपकी ग्रेड के बारे में और आपके असाइनमेंट और थ्योरी एग्जाम के मार्क्स के बारे में, कि आपके असाइनमेंट और थ्योरी के एग्जाम में कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके पासिंग मार्क्स के लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।